यह जगत में कौन नहीं जानता कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम सब सोचें कि हम सब जानते हैं कि सत्य क्या है, लेकिन सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही नारायण है। क्या हमने आज तक झूठ बोलना छोड़ा क्या? जब हम झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते, क्या हम सत्य को पहचान सकते हैं? जब हम सत्य को नहीं पहचान पाएंगे तो हम नारायण तक कहां पहुंच पाएंगे? और नारायण तक अगर आपको पहुंचना है तो पहले जीवन में एक व्रत को धारण करना होगा, और वो व्रत है सत्य रूपी वचनों का। जीवन में जब तक जीवित रहो सत्य का पालन करो, और जब सत्य का पालन जीवन में आ जाएगा तो नारायण यत्र तत्र कहीं नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज के हृदय में सीताराम जी विराजे हैं, ऐसे हमारे हृदय में स्वयं राम विराजेंगे, इस बात में कोई संदेह। लेकिन आज सत्य कोई बोलना नहीं चाहता, झूठ कोई छोड़ना नहीं चाहता, झुकना कोई चाहता नहीं, मानना कोई चाहता नहीं, और सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में भगवत कृपा हो। तो सोचिए, यहां तो बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं जगत में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, एक ही धर्म है, और वो कौन सा है? सत्य। बाबा बार बार इस बात का उद्घोष करते हैं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कहा है धर्म न दोष है सत्य सहारा, आगम निगम पुराण गुरुदेव आचार्य श्री हिंगलाज संस्कृत पाठशाला बाड़ी उपस्थित हुए हैं। हम उनके चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए कथा के क्रम में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, वेदों का, शास्त्रों का आगम निगम पुराण बखाना, जिसका वर्णन समस्त वेद करते हैं कि सत्य में ही ईश्वर का निवास है। प्रभु श्री राम जब ये मानव लीला करते हुए हिरण के पीछे दौड़ते हैं, और काम के वशीभूत, त्रिया के वशीभूत भगवान ये शिक्षा देते हैं मनुष्य को कि काम में इतने भी मदमस्त मत हो जाना कि जीवन से सत्य का बोध दूर हो जाए। भगवान ने ये दृष्टि और ये विवेक यूं ही हमें प्रदान नहीं किया। पहले देखें
और फिर सोचें और फिर समझें और फिर निर्णय लें, उसके बाद आप प्रभु कृपा से कभी दूर नहीं हो सकते। तो पूज्य अग्रवाल जी भरद्वाज जी से कहते हैं, महाराज आज उसी का एक प्रसंग था जो नारद मोह का प्रसंग था। देव ऋषि नारद बैकुंठ के द्वार जिनके लिए खुले रहते हैं, और वो व्यक्ति भगवान की माया के चक्कर में फंसकर विवाह करने की इच्छा को लिए बैठा। बंधुओं, ये योग है जीवन के, तो जितना हो सके हम अपने आप को एक ही माध्यम है इस जगत में। अगर आपको माया से बचना है तो तीन चीजों की हमें अपने जीवन में कसम खाना पड़ेगी। अगर ये तीन बातों का अनुकरण संकल्पित रूप से हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो ये मैं व्यास मंच से कह सकता हूं कि वो जीवन, वो शरीर कभी माया के वशीभूत नहीं होगा। माया कभी उसको डस नहीं सकती। पहला संकल्प जीवन में होना चाहिए, वो संकल्प है कि जीवन को जितना हो सके संयम में बांध कर रखना। मन तो भटकेगा, मन तो दौड़ेगा और मन नाना प्रकार की इच्छाओं को प्रकट करेगा, कभी मेरा मन, कभी दिल्ली, कभी लंदन, कभी जीव रसगुल्ला मांगेगी तो कभी रस मलाई, तो कभी खटाई तो कभी मिठाई। ये जीव का स्वभाव है मांगना, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा ऐसा ना हो कि डायबिटीज बढ़ जाए या अटैक आने की स्थिति बन जाए। तो डॉक्टर के कहने पर जब हम संयम में रहना शुरू करते हैं तब हम खाना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, गुरुजी डॉक्टर साहब ने मना किया है। तो अपने आप को बचपन से ही इस प्रकार संयम में जीना सिखाओ कि कभी डॉक्टर के द्वार पर जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो पहला माध्यम अगर जीवन में है तो बचपन से ही अपने आप को संयमवान बनाओ। संयम जीवन की संपूर्ण संपदाओं का आगाज कर सकता है। और दूसरा नियम, पहला संकल्प संयम का होना चाहिए और दूसरा संकल्प कि हम किसी भी स्थिति में मर्यादा का उल्लंघन ना करें। अगर हम हिंगलाज पाठशाला के विद्यार्थी हैं या आदिवासी बालक बालिका आश्रम के विद्यार्थी हैं या हम सांडिल ऋषि वेद विद्यापीठ के विद्यार्थी हैं, तो हमारा धर्म है शाला की मर्यादाओं का हम कभी उल्लंघन ना करें। अगर हम मर्यादा को मिटाएंगे तो जीवन ना तो संस्था का बिगड़ेगा ना विद्यालय का बिगड़ेगा। जीवन अगर किसी का बिगड़ेगा तो उसका, जिसने उस मर्यादा को तोड़ा है। आज की उद्दंडता कल हमारे जीवन की पतन का कारण बनेगी। उसका प्रमाण है माता जानकी का वो दृश्य, जब माता जानकी को कहा गया था कि इस रेखा को लांघकर बाहर मत जाना, जब माता जानकी ने उस मर्यादा की रेखा को लांघा तो राजा रावण की लंका में पहुंच गई। अगर वो उस रेखा को ना लांघती तो रावण का इतना पुरुषार्थ नहीं था कि वो माता जानकी का स्पर्श कर सकता, उनको छू पाता। तो दूसरा वचन हमारे जीवन में ये होना चाहिए, हम जहां रह रहे हैं, जिनके सानिध्य में रह रहे हैं, जहां विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उस संस्था का नियम का पालन, जीवन की मर्यादा का पालन हम कभी ना तोड़ें। अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो मैंने आपको प्रमाण दिया, संयम विश्वामित्र से छूटा, परिणाम क्या हुआ, जीवन बिगड़ गया। मर्यादा माता जानकी ने रेखा की लांगी, माता जानकी रावण की लंका में पहुंच गई। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां नन्हे मुन्ने बच्चे विद्या अध्ययन करने के निमित्त बैठे हैं तो उनको ये जीवन में आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम संयमवान बनेंगे, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प उनको ये लेना चाहिए
कि हम कभी भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। जितना हमको कहा जाएगा, जितना हमको बताया जाएगा और जितना हमसे कहा जाएगा, हम अपने विवेक को ना जोड़कर उन वचनों का निर्वाहन करेंगे। ये दूसरा। और तीसरा जो वचन हमें अपने जीवन में लेना है वो एक वचन है, और वो कार्य है एक समर्पण। गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति, अपने से श्रेष्ठ आयु के प्रति हमेशा नम्रता का, विनम्रता का भाव होना चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है, विद्या किसको आती है? विद्या उसी को आती है, और विद्या का पात्र का अधिकारी वही होता है जिसमें विनम्रता होती है, है ना। जब गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान चालीसा लिखा है ना, तो उनने ज्ञानवान कर नहीं लिखा, तपस्वी बनकर नहीं लिखा। उन्होंने हनुमान चालीसा के मंगला चरण में कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं अपने गुरु के चरणों की माटी को अपने माथे पर लगाता हूं। क्यों? क्योंकि निज मनु मुकुर शोदार, क्योंकि मन में विकार आ सकते हैं, अन्न खाते हैं, संसार का वातावरण है, तो विकार तो संसार के कारण आ सकते हैं, लेकिन गुरु की सन्निधि और गुरु के चरणों की माटी मन के विकारों को उत्पन्न अगर होंगे तो तत्क्षण उनको रोक कर नष्ट कर देगी। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। और बरनऊ में बार बार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, बार बार उस प्रभु का चिंतन करते हुए, जो दायक फल चार, जो चार फलों को देने वाले कौन, काम